Good morning, class. This is the first chapter of business studies which I have taken from class 11th standard, Nature and Purpose of Business. First, we are going to tell you that the intro part of this chapter, in which here it is given the introduction. जो कि आपके नीचे ये फोर लाइंस दी हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन जो हैं वो आपको क्लियर बताएंगे कि मतलब चैप्टर में आपको क्या एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो ये बिजनेस रिलेटेड है, जो भी चैप्टर आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि बिजनेस स्टडीज़ मतलब होता है कि बिजनेस को, व्यापार किसको हम कैसे रन करते हैं सोसाइटी में, कैसे उससे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, ये सारी चीज़ आपकी बेस्ड है बिजनेस स्टडीज़ में। जब तक आप इसको अच्छे से पढ़ोगे नहीं, तो देर इज़ नो यूज़ ऑफ एनी इंट्रोडक्शन, नथिंग विल प्रोवाइड यू द बेटर नॉलेज, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा बिजनेस होता क्या है। तो बिजनेस आपका होता है मेन थिंग कि बिजनेस आपका एक एक्टिविटी होता है जो आपको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कराता है, और ये रेगुलर बेसिस पे ही होता है। आप इसको कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते हो, आप रेगुलर बेसिस पे ही करोगे तभी आपको प्रॉफिट अर्न होगा। सो वी कैन सी हियर दैट इट इज़ गिवन इन द फर्स्ट लाइन, ऑल ह्यूमन बींग्स वेयर एवर दे मे बी आर रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। इट इज़ गिवन द ह्यूमन बींग्स, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग को अपनी रिक्वायरमेंट्स तो हम लोग की बहुत होती हैं। हम लोग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? कि अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। बट इसमें रिक्वायरमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं, जो आपकी ज़रूरतें, जो आपको चाहिए। आप गुड्स लेते हो, आप सर्विसेज भी लेते हो, क्यों? अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो जो गुड्स यहाँ पे दिए हैं, फर्स्ट आपको जानना चाहिए कि गुड्स होता क्या है। गुड्स क्या होता है? कोई भी चीज़ जो अपने हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, जैसे कि जैसे आप बोल सकते हो गुड्स आपका होता है कि आइटम्स जो भी होते हैं, जो चीज़ें होती हैं जो आप ख़रीदते हो, सच एज फूड, क्लॉथिंग, टॉयज, फर्नीचर एंड टूथपेस्ट, दीज ऑल आर द गुड्स, दे ऑल आर कम इनसाइड द गुड्स। एंड सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज इज़ एन एक्ट और अ पर्सन डज फॉर समवन एल्स, वो सर्विस जो हम किसी पर्सन के लिए करते हैं उनके नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, सच एज वी कैन टेक द हेयर कट्स, मेडिकल चेकअप, ये सारी चीज़ें सर्विसेज हैं। डिलीवरी होती है, उस सर्विस मैन का काम है कि उस चीज़ को डिलीवर करे जिसके बदले में उसको पेमेंट मिलती है। डॉक्टर भी अपनी सर्विस करता है, टीचर भी अपनी सर्विस करता है, डॉक्टर फीस के लिए वो सर्विस करता है एंड टीचर्स भी सैलरी के लिए वो सर्विस करता है। तो ये सर्विसेज हैं जो टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को प्रोवाइड करते हैं नॉलेज। जैसे कि हम आपको अभी इस समय नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपके 11th चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है, तो इससे आपको नॉलेज हो रही है, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं कि इससे मुझे प्रॉफिट ही हो, बट जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं उनको ये चीज़ पता रहती है कि मुझे हर महीने, हर मंथली मेरे को पेमेंट मिलना ही मिलना है। तो उनका सर्विस है जो जिसके लिए उनको पेमेंट दिया जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ अ बिजनेस इज़ अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस तो क्लियर है आपको क्या होता है, इज़ अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है आपका जो कि पैसे से रिलेटेड हो, जो कि मनी से रिलेटेड हो। तो बिजनेस कोई भी क्यों करता है? बिकॉज ऑफ अर्निंग मनी, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। इन ऑल मॉडर्न सोसाइटीज कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स और एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द पीपल। मॉडर्न सोसाइटीज मीन जो हम लोग की जो सोसाइटीज़ है वो प्रोडक्शन भी के साथ साथ भी बिजनेस करती है। गुड्स को बेचना भी एक बिजनेस होता है, सर्विसेज जो पीपल के द्वारा रिक्वायर्ड होती हैं वो भी एक बिजनेस होता है। तो आपको जो गुड्स एंड सर्विसेज वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते हैं। यू कैन टेक द एग्जाम्पल कि जब आप किसी गुड्स को मार्केट में लाओगे तो उससे पहले आप क्या करोगे, उस चीज़ का मैन्युफैक्चर करोगे, और या तो वो मैन्युफैक्चर हो तो उस चीज़ को पहले ही परचेस कर लोगे, फिर उसको मार्केट में लाओगे, अपने शॉप पे लाओगे अपने, फिर उसको सेल करोगे, उसको सप्लाई करोगे जहाँ से आपके गुड्स पब्लिक तक, कंज्यूमर तक पहुँच सकें। एंड सर्विसेज आपको पता ही है, सर्विस का एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे रियल लाइफ से रिलेटेड बता सकती हूँ। जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पे वो जो वेटरेस है वो आपको ला के देता है, आप खाते हो।
बट वो उसकी सर्विस है, वो आपको लाके सर्व करता है, तो उसको उसको बदले में पेमेंट मिलता है, जो कि उसके जो बॉस है, जो ओनर है, वो उसे प्रोवाइड करते हैं। बट उसका ओनर क्या है, वो उसका बिजनेस मैन है, और लेकिन जो वेटर है वो सर्विस देता है हमें, किस चीज़ की, खाने की, हमें देता है, वो खाने को ला के देता है, उसको वो ऐसे ही ला के नहीं दे रहा है, वो उसकी ड्यूटी है, उसकी सर्विस है, और उसको ये चीज़ पता है कि उसका पेमेंट इसको मिलना ही है, रिक्वायर्ड बाय द पीपल। इट इज़ एम्ड एट अर्निंग मनी बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन डिमांड्स। तो एक ये एम है कि हमें बिजनेस करके मनी को अर्न करना ही है और ह्यूमन के डिमांड्स को सेटिस्फाई करना है। तो ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट आपने पढ़ा है पूरा, ये सारा जो आपने पढ़ा है, ये मेन पर्पज़ है बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। अब बिजनेस के डीप लर्निंग में हम लोग जाएंगे, बहुत ही चीज़ें जानेंगे इसके बारे में कि ये हर फील्ड में कैसे इसका यूटिलाइज़ किया जाता है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एंड प्लीज़ आप इस चीज़ को अपने रियल लाइफ सिचुएशन से भी कनेक्ट कर सकते हो, जो कि मैंने आप लोग को समझाया है। अगर मैं नेक्स्ट क्लास लेती हूँ तो मुझे इस चीज़ को क्लियर ज़रूर करना है, चाहे वो कभी हम लोग की बात हो या ना हो, बट कमेंट्स में ज़रूर ये चीज़ लिखना, और मेरे को कुछ एग्जांपल भी देना कि ये भी बिज़नेस होते हैं, ये भी बिज़नेस होते हैं, तो मैं भी एक बिज़नेसमैन हूँ प्लीज़, कि मुझे भी पता चले कि आप रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट हो कि नहीं, कि आप सिर्फ ऐसे ही तो नहीं पढ़ रहे हो। तो मेरा भी पढ़ाने का मोटिव ये है कि आप लोग को इसकी नॉलेज हो। ओके,